हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो चलिए एक एक करके सारे पोस्ट के साथ साथ सारे डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या पोजीशन है यहाँ पे? लोअर डिविजन क्लर्क यानी कि LDC, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर Grade 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, लोअर डिविजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट Grade 1, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे आप पे लेवल से लेकर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, टोटल वैकेंसी हर एक पोस्ट में, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2354 वैकेंसी यहाँ पे एक साथ निकाला गया है, ठीक है। हर एक पोस्ट में बहुत बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है एंड एक एक करके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अगर आप बाय पोस्ट में कुछ सेंड करते हैं CV वगैरह, या फिर मेल करते हैं, बाय हैंड जाके सबमिट करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, एंड आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन हिंदी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन या फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सैलरी की बात करें तो फिर यहाँ पे Pay Level 2 रखा गया है, तो जिसके हिसाब से आपको 19,900 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी, एंड आपका फाइनल सैलरी बनता है 63,200 रुपीज पर मंथ। ग्रुप सी का पोजीशन है, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है, ओके। नेक्स्ट पोस्ट आता है स्टेनोग्राफर की, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 12th पास, यहाँ पे जितने भी सारे पोजीशन है ना, सारे 12th पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब ज्यादातर 12th पास कैंडिडेट के लिए ज्यादा वैकेंसी या ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, बट नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड वो भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सैलरी की बात करें तो फिर 25,500 रुपीज पर मंथ से लेकर 81,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। Pay Level 4 है, ग्रुप सी का पोजिशन है ये भी, एंड 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, ओके। नेक्स्ट आता है LDC कम टाइपिस्ट, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे भी देखिए सारे सेम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर देखे Pay Level 2 के हिसाब से जो भी सैलरी था 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज पर मंथ सेम सैलरी मिलेगा, ठीक है। एज लिमिट सेम रखा गया है 18 to 27 ईयर्स, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, यहाँ पे भी देखिए 12th पास एंड प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, ठीक है। यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है कि कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास यहाँ पे डिप्लोमा है, जो जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आता है जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पे भी देखिए 12th पास कैंडिडेट की यहाँ पे नीड है। अब देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड सेम रखा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो भी पोस्ट में इंटरेस्ट है आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे चलते हैं यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। आप चलते हैं हाउ टू अप्लाई, अगर देखे तो फिर यहाँ पे सिर्फ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा एंड देन आपको लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बट अभी के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी से जो है ये 9 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9th January 2024 एंड क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट है 7th February 2024, ठीक है। तो अभी अगर आप परेशान हो जाएंगे या फिर आप टेंस्ड हो जाएंगे कि लिंक कहीं पे भी नहीं मिल रहा है,
अप्लाई करने के लिए, तो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जनरेट नहीं किया गया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 9 जनवरी से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा एंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को चेक कीजिए एंड बाकी जितने भी सारे पोजीशन है, कौन से पोजीशन आपको इंटरेस्ट है, सारे चीजें एक बार चेक करने के बाद देन आराम से आप 9 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ये ना सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो फिर कोई भी अलग से आपको चांस नहीं मिलेगा या फिर आपका कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूव नहीं किया जाएगा फॉर चेंज करेक्शन और मॉडिफिकेशन। इसीलिए बिफोर सबमिशन एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं है या फिर जो भी स्कैंड इमेजेस आपको अपलोड करना है वो अच्छे से विजिबल है या नहीं। ये सारे चीजें चेक करने के बाद ही आप जो है फाइनल सबमिट कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस अगर देखे तो फिर यहाँ पे देखिए 100 रुपीज रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल, बट यहाँ पे भी जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWBD या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई भी फीस नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन स्कीम एक बार चेक कर लेते हैं, तो Tier 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे का एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 200 MCQs रहने वाला है 200 मार्क्स के लिए, मतलब कि ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस से 35 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 35, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 35 मार्क्स एंड बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन से 25 मार्क्स, ठीक है, ये सिलेबस है। एंड आपको क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल अवेलेबल मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही ध्यान से आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से जो भी आपको 100% आप कंफर्म है कि यही आंसर है उसी में आप टिक कीजिए, अदरवाइज आप टच ना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो पॉजिटिव मार्किंग है, पॉजिटिव मार्क्स आपको मिला है, वो भी नेगेटिव में चला जाता है, तो थोड़ा स्मार्टली आपको यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप देख सकते हैं जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC/ST PWD के लिए 30% एंड एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखे तो फिर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC/ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स की, 3 ईयर्स फॉर OBC एंड PWD प्लस UR और EWS के लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 ईयर्स, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, बाकी के सारे कैटेगरीज के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ये भी आप चेक कर लीजिए। देखिए जैसे ड्रेस कोड अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइट क्लोथ्स पहनना है विद हाफ स्लीव्स एंड बिग बटन्स नहीं होना चाहिए, ब्रूच, बैज, फ्लावर एटसेट्रा ये कुछ भी नहीं चलेगा। सलवार और ट्राउजर के साथ आप पहन सकते हैं, स्लीपर सैंडल्स एंड विद लो हील्स यहाँ पे चलेगा, बट शूज आर नॉट अलाउड, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे ये तो बेकार की चीजें हैं, मतलब ये कोई मतलब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन यहीं पे खत्म होता है, तो बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक लगा मुझे, तो जरूर अप्लाई करें सभी के सभी। लास्ट डेट एंड ओपनिंग डेट मैंने बता दिया है, ओपनिंग डेट अभी नहीं है, 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उससे पहले आप प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए, एग्जाम का भी प्रिपरेशन ले लीजिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारे यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशंस भी है, ठीक है, एंड वैकेंसीज कितना ज्यादा है एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट,
आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे सेकेंड नोटिफिकेशन में आपको व्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको डाउनलोड में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेने लेके आने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले एंड उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। एंड मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल ना मिस करें, वहां पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।